भक्ति और सामुदायिक भावना की लंबी यात्रा में भाजपा उत्तर भारतीय मोर्चा महाराष्ट्र के महासचिव बृजेश सिंह हमारे शहर में गोविंदा पथकों के पीछे प्रेरक शक्ति है। उनके मार्गदर्शन में मलाड मालवनी में 10 गोविंदा पथकों से शुरू हुई यह यात्रा 45 गोविंदा पथक जिसमें 12,000 से 15,000 युवा शामिल है तक पहुँच गई है। इस वार्षिक उत्सव के प्रति बृजेश सिंह का अटूट समर्पण पूरे वर्ष स्पष्ट रहा है, जिससे गोविंदा पथकों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है और उत्सव में एक अनोखी भावना का संचार हुआ है। विशेष रूप से उनके व्यक्तिगत स्पर्श का उदाहरण गोविंदा पथकों प्रतिभागियों की टी शर्ट पर सजी उनकी छवि की छवियां हैं, जो इसमें शामिल लोगों पर एक अमिट छाप छोड़ती है। उनके दशक भर के मार्गदर्शन ने युवाओं की भागीदारी और परंपराओं के संरक्षण पर जोर देते हुए त्यौहार के परिदृश्य को पुनर्जीवित किया है। गोविंदा पथक अपनी टी शर्ट पर बृजेश सिंह की फ़ोटो छपाकर पहनते हैं और यही गोविंदा पथक बृजेश सिंह के प्रति उनकी प्रतिबद्धता एवं आत्मीयता को दर्शाता है। तो आइए सुनते हैं इस खास मौके पर बृजेश सिंह ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। सिर्फ आपका आपकी फ़ोटो नज़र आ रही है, हर जो गोविंदा है उनके साथ उनकी टी शर्ट पे आप ही नज़र आ रहे हैं, किस तरह ये प्यार देख पा रहे हैं आप? देखिए, ये बच्चों का प्यार है जो आज कृष्ण जन्माष्टमी के दिन में सभी बच्चे मेरे फ़ोटो भी अपने टी शर्ट पर लगा कर घूमते हैं। ये उनका प्यार है और उनके साथ में हम लोग पूरे साल हिलजुल कर मिलकर काम करते हैं, इसका वो नतीजा है कि वो मेरी फ़ोटो लगाकर पूरे मलाड में पूरे मुंबई में घूमते हैं। तो क्या लग रहा है, इस बार कृष्ण भगवान का पूरा आशीर्वाद बृजेश जी के साथ है? नहीं, कृष्ण भगवान जी का तो हमेशा आशीर्वाद रहता है और आज जो उल्लास का दिन है उसके अलावा देखो गोविंदा पथक जो है पूरे मुंबई में यहाँ से जाते हैं, हर 5 थर 6 थर 7 थर 8 थर तक के पथक लगाने अपना थर लगाने वाले गोविंदा पथक यहाँ पर है मलाड में और पूरी मुंबई में जाकर वो हंडी फोड़ते हैं। एक तरह से देखा जाए तो मलाड का पूरा परचम पूरे मुंबई में लहराने का काम ये बच्चे करते हैं, इसलिए इन बच्चों की जो तैयारी है, इन बच्चों की जो हिम्मत है और जो उनके अंदर उत्साह है, उन सब का मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ और ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूँ कि बच्चे एकदम उनके ऊपर कोई आफत नहीं आवे और अच्छे से बिना कोई इंजरी के वो गोविंदा फोड़ कर आवे और अपना मलाड का नाम रोशन करें। तो विजय जी, जिस तरह से मालवनी की जब बात आती है, यहाँ पर हिंदुओं को अपना त्यौहार मनाने से रोका जाता था, लेकिन आज जो रूप देख पाते हैं यहाँ पर, क्या लगता है इसमें विजय जी और भाजपा का कितना सहयोग है कि आज हिंदू यहाँ पर खुलकर अपने त्यौहार को मना पा रहे हैं? देखिए, आपको सुनकर हैरानी होगी कि यहाँ पर जब हिंदू त्यौहार होते हैं तो अलग अलग इंसिडेंट, तो आपको भी पता है कि रामनवमी के दिन में पत्थरबाजी हुई और बाकी त्यौहारों पर होली के दिन में भी प्रॉब्लम होता है, लेकिन गोविंदा के जब से हम 10-12 साल से गोविंदा का जब ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है तो हिंदू त्यौहार किसी के अंदर द्वेष नहीं पैदा करता है, ये सबको समा कर लेकर चलता है और धीरे धीरे स्थिति बदल रही है और सभी जाति धर्म के लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। जैसे आज की अगर हम लोग बात करेंगे तो एक साई गोविंदा पथक है, साई राज गोविंदा पथक, जिसमें 60% बच्चे मुसलमान हैं, वो भी अपने साथ में जुड़े हुए हैं और वो गोविंदा बहुत धूमधाम से मनाते हैं, मालोनी से लेकर मलाड, मलाड थाना तक जाते हैं वो लोग हंडी फोड़ने के लिए। तो ऐसा कुछ भेदभाव कहीं दिखता नहीं है और ये त्यौहार ऐसा है कि सबके अंदर उत्साह भर देता है और इसी उत्साह से हिंदू हो मुसलमान हो इस त्यौहार को मनाता है, बजरंग बली की जय बोलता है और हंडी फोड़ता है। ऐसे 60% मुसलमान बच्चे उस गोविंदा पथक में हैं।